कट ऑफ को देखने के लिए आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाते हो, कट ऑफ मार्क्स सेकंड लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ सेकंड काउंसलिंग लिखा है, रेड ग्रीन एंड ये एरो क्लिक कर रहा है, आपने वैसे ही क्लिक कर देना है, ये खुल जाएगी। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ऐसे। अलॉटमेंट कॉलेज कोड वाइड है, आपने ये देखना है जो आपके प्रेफरेंस वाले कॉलेज थे, 1 2 3 4, ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं होती है ना, तो उस कॉलेज में कट ऑफ, लास्ट कट ऑफ का मतलब है कि लास्ट स्टूडेंट जिसको उस कैटेगरी में सीट मिली है उसका क्या रैंक है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है DAV कॉलेज ऑफ एजुकेशन अबोर है कॉमर्स यहाँ पर, और 85 में जनरल कैटेगरी में ये 75 मार्क्स के लास्ट बच्चे के थे उनको सीट मिली है। कॉमर्स में 85 में बैकवर्ड OBC को 61 में मिली है, और कंप्यूटर में जनरल कैटेगरी को 85 में 54 को मिली है। फाइन आर्ट्स में 85 में जनरल कैटेगरी को 59.5 मिली है। तो ये 15 वाला पंजाब का कोटा जो है आउट ऑल इंडिया कोटा है रखा, वो भी रखा है। कॉमर्स जैसे 15% कोटा है, जनरल है ये 69 पर गई है। तो हर कॉम्बिनेशन आपने खुद देख लेना है कि आपकी कैटेगरी कौन सी है, आपने उसी कैटेगरी के नंबर देखने हैं, और साथ में मेजर सब्जेक्ट देखना है। पहले आपने कॉलेज खोल लिया, मेजर सब्जेक्ट देखना है जो आपका है, उसके बाद 85 है जहाँ 15% का कोटा है, उसके बाद कि कैटेगरी कौन सी है, उसके सामने वाले मार्क्स लास्ट हैं, इट मींस उससे नीचे वाले आपके मार्क्स हैं। अगर आपके जो कैटेगरी, फॉर एग्जांपल इस कैटेगरी के शेड्यूल्ड कास्ट साइंस 85% कोटा के 55 है, अगर आपके 56 थे, आपने अप्लाई किया था, कोई गड़बड़ है, तो देन आप यूनिवर्सिटी को मेल कर सकते हैं, प्रॉबेबिलिटी है, क्योंकि उन्होंने कहा कि एरर इतनी थोड़ी बहुत एरर हो सकती है। ये आपने कॉलेज देखना है। हम गवर्नमेंट कॉलेज देखेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन मलेरकोटला डिस्ट्रिक्ट संगरूर, कॉमर्स की 85 की गई है, ओबीसी की 80, लास्ट बच्चे 80 वाले का हुआ है कॉमर्स की, सॉरी ये सोशल साइंस की है, सॉरी ये गलत हो गई, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन मलेरकोटला डिस्ट्रिक्ट संगरूर ये कॉमर्स की ये वाली है 85 में, जनरल 82 लास्ट बच्चा एडमिट हुआ है, और कंप्यूटर की 85 में, जनरल में 81.5 का बच्चा एडमिट हुआ है, कंप्यूटर में 85 में शेड्यूल्ड कास्ट का 84 का बच्चा एडमिट हुआ है, मैथमेटिक्स में 85 में, जनरल में 84.5 का बच्चा एडमिट हुआ है, मैथमेटिक्स में 85% कोटा में SC कैटेगरी 86.5 का स्टूडेंट एडमिट हुआ है, साइंस की पंजाब कोटा 85, जनरल कैटेगरी 101.5 कोटा एडमिट हुआ है, साइंस की 85% में, OBC कैटेगरी में 93 लास्ट मेरिट गई है, क्योंकि यहाँ पर सीट्स बहुत कम, 50 सीट्स हैं सिर्फ ना, और भी हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन मलेरकोटला डिस्ट्रिक्ट में, साइंस में 85 कोटे में एक्स सर्विसमैन डिपेंडेंट के 85.5 में गई है, ये साइंस की 15% ऑल इंडिया कोटा में, जनरल में 88 लास्ट सीट गई है, सोशल स्टडी में 85 कोटे में, जनरल सीट 93 में गई है, और सोशल स्टडी की 85 में, SC कैटेगरी की 91 में गई है, ऑल इंडिया कोटा 15%, जनरल की 72 में गई है। यहाँ तक गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन मलेरकोटला की ख़त्म होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट कॉलेज है पंडित चेतन देव गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन फरीदकोट, यहाँ सीट्स ज़्यादा हैं, यहाँ पर कंप्यूटर की 85 कोटा में, यहाँ पर हाँ ठीक है, 85 कोटा में, SC कैटेगरी की 62 पर गई है, और कंप्यूटर की 85 कोटा में, जनरल की 72 पर गई है लास्ट सीट, कंप्यूटर की 85 में, SC कैटेगरी की 65 पर गई है, कंप्यूटर की 15 ऑल इंडिया कोटा, जनरल कैटेगरी 80 में गई है, इकोनॉमिक्स की 85 में, जनरल कैटेगरी की 82 में गई है, इकोनॉमिक्स की 85 में, SC कैटेगरी की 87.5 में गई है, इकोनॉमिक्स की 85 में, OBC कैटेगरी की 74 में गई है, इकोनॉमिक्स की 15% ऑल इंडिया कोटा, जनरल कैटेगरी 65 में गई है। इसके अलावा है
आगे हिस्ट्री के, यहाँ हिस्ट्री में देखते हैं हिस्ट्री की लास्ट सीट। अच्छा हिस्ट्री की बहुत और भी है, भी सीट्स बहुत है। हिस्ट्री 85 में जनरल कैटेगरी 77.5 पे गई है हिस्ट्री, 85% कोटा एससी 80 पर गई है लास्ट सीट हिस्ट्री, 85% कोटा ओबीसी 77.5 पर गई है, लाइफ साइंस 85%, जनरल कैटेगरी 67 पर गई है, क्योंकि लाइफ साइंस चूज नहीं करते है ना, उसमें फ़ायदा नहीं है, दैट इज़ वाई उन्होंने प्राइवेट कॉलेज कईयों ने ले लिए, उन्होंने जॉब प्रेफरेंस की है गवर्नमेंट जॉब। लाइफ साइंस 85% ये नहीं है इनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, लाइफ साइंस की कम आती हैं, टीजीटी की ज़्यादा आती हैं। 85% एससी कोटा 70 पर लास्ट गई है लाइफ साइंस 85, ओबीसी कैटेगरी 76.5 पर गई है, मैथमेटिक्स 85% कोटा, जनरल कैटेगरी 102 पर गई है, फिजिकल एजुकेशन 2000 के नज़दीक पोस्ट आ रही है पीटी की गवर्नमेंट जॉब जनवरी फरवरी में, 85% कोटा, जनरल कैटेगरी 55.5 पर गई है, फिजिकल एजुकेशन 85%, एससी कैटेगरी 73.5 पर गई है, फिजिकल साइंस 85% कोटा, जनरल कैटेगरी 81.5, फिजिकल साइंस 85% कोटा, एससी 81.5, फिजिकल साइंस पंजाब कोटा 85%, ओबीसी 87 पर गई है। तो इस कॉलेज में गवर्नमेंट कॉलेज में भी हाई गई है लास्ट, अगर कोई है तो वो देख लेते हैं कोई। अच्छा इसके अलावा है ये हो गया मेरिकल सोशल स्टडी हो गया है सारा, नहीं सोशल स्टडी 85 पर पंजाब कोटा, जनरल कैटेगरी 89.5 पर गई है, सोशल स्टडी 85% कोटा, ये शेड्यूल्ड कास्ट 90 पे गई है, सोशल स्टडी पंजाब कोटा ओबीसी 91 पे गई है, सोशल स्टडी पंजाब कोटा पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटी 57 पर गई है, सोशल स्टडी पंजाब कोटा स्पोर्ट्स पर्सन 63 पर लास्ट गई है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन फरीदकोट में। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन जलंधर में 100 सीट्स हैं फर्स्ट, कंप्यूटर की जो है यहाँ रही, हाँ कंप्यूटर की पंजाब कोटा में जनरल कैटेगरी 70 पर गई है, कंप्यूटर की पंजाब कोटा एससी 78.5 पर गई है, कंप्यूटर पंजाब स्टेट ओबीसी 77.5 पर गई है, फाइन आर्ट्स पंजाब कोटा शेड्यूल्ड कास्ट 47 पर गई है, ऐसे ही होम साइंस पंजाब कोटा जनरल कैटेगरी 47 पर गई है, लाइफ साइंस पंजाब कोटा जनरल कैटेगरी 69 पर गई है, 69 लाइफ साइंस पंजाब कोटा शेड्यूल्ड कास्ट 71.5 पर गई है, फिजिकल साइंस पंजाब कोटा जनरल कैटेगरी 102 पर गई है, फिजिकल साइंस पंजाब कोटा शेड्यूल्ड कास्ट 98 पर गई है, फिजिकल साइंस 15 पर ऑल इंडिया कोटा 15% जनरल कैटेगरी 96 पर गई है, फिजिकल साइंस ऑल इंडिया कोटा ओबीसी कैटेगरी 93 पर गई है, सोशल स्टडीज 85% कोटा पंजाब कोटा जनरल कैटेगरी 88 पर गई है, सोशल स्टडीज 85% कोटा पंजाब कोटा एससी 87 पर गई है, सोशल स्टडीज पंजाब कोटा ओबीसी 92 पर गई है, सोशल स्टडीज पंजाब कोटा वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर 69 पर गई है। तो ये गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन जलंधर की थी। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन पटियाला, जिसको स्टेट कॉलेज ऑफ एजुकेशन कहा जाता है, गवर्नमेंट कॉलेज सर्च नहीं करना, इन्होंने वेबसाइट पे भी दिया है, तो स्टेट कॉलेज ऑफ एजुकेशन सर्च करना है आपने। इनकी इनकी सबसे ज़्यादा सीट्स हैं मेरे ख्याल में 150 हैं। ये कॉमर्स की पंजाब कोटा की जनरल कैटेगरी की 75 पर गई है, कॉमर्स की पंजाब कोटा ओबीसी 79 पर गई है, कॉमर्स की ऑल इंडिया कोटा जनरल कैटेगरी 75 पर गई है, कंप्यूटर की पंजाब कोटा जनरल कैटेगरी की 81 पर गई है, कंप्यूटर की पंजाब कोटा शेड्यूल्ड कास्ट 81.5 पर गई है, इकोनॉमिक्स की पंजाब कोटा जनरल कैटेगरी 97 पर गई है, इकोनॉमिक्स की पंजाब कोटा एससी कैटेगरी 67.5 पर गई है, इकोनॉमिक्स की पंजाब कोटा ओबीसी 81.5 पर गई है, फाइन आर्ट्स पंजाब कोटा जनरल कैटेगरी 61 पर गई है, फाइन आर्ट्स पंजाब कोटा शेड्यूल्ड कास्ट 63.5 पर गई है, फाइन आर्ट्स पंजाब कोटा ओबीसी कैटेगरी 56 पर गई है, ज्योग्राफी पंजाब कोटा जनरल कैटेगरी 84 पर गई है, ज्योग्राफी पंजाब कोटा एससी कैटेगरी
87.5 पर गई है, होम साइंस पंजाब कोटा जनरल कैटेगरी 68 पर गई है, लाइफ साइंस पंजाब कोटा जनरल कैटेगरी 83.5 पर गई है, लाइफ साइंस पंजाब कोटा शेड्यूल्ड कास्ट 77.5 पर गई है, मैथमेटिक्स पंजाब कोटा जनरल कैटेगरी 97 पर गई है, मैथमेटिक्स पंजाब कोटा शेड्यूल्ड कास्ट 97.5 पर गई है, मैथमेटिक्स पंजाब कोटा ओबीसी कैटेगरी 93 पर गई है, म्यूजिक पंजाब कोटा जनरल कैटेगरी 78 पर गई है, स्टेट कॉलेज ऑफ एजुकेशन पटियाला में और भी सीट्स हैं बहुत सारी। ये म्यूजिक लास्ट था हमारा, म्यूजिक है, म्यूजिक की जनरल 78 पर है, म्यूजिक की पंजाब कोटा में शेड्यूल्ड कास्ट में 46 पर लोएस्ट ये गई है, और फिजिकल एजुकेशन की पंजाब कोटा जनरल कैटेगरी 54.5 पर गई है, फिजिकल साइंस नॉट फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल साइंस पंजाब कोटा जनरल कैटेगरी 86.5 पर गई है, फिजिकल साइंस पंजाब कोटा शेड्यूल्ड कास्ट 88.5 पर गई है, फिजिकल साइंस पंजाब स्टेट कोटा और ये ओबीसी कैटेगरी की 82.5 पर गई है, फिजिकल साइंस ऑल इंडिया कोटा 15% कोटे वाली जनरल कैटेगरी की 93 पर गई है, सोशल स्टडी पंजाब कोटा जनरल कैटेगरी 102 पर गई है, सोशल स्टडी पंजाब कोटा शेड्यूल्ड कास्ट 95 पर गई है, सोशल स्टडीज पंजाब कोटा ओबीसी कैटेगरी 101 पर गई है, सोशल स्टडीज पंजाब कोटा पर्सन विद डिसेबिलिटी 66.5 पर गई है। ऐसे ही आप आपका और कोई प्रेफर्ड कॉलेज है उसकी ये कट ऑफ देख सकते हो, दैट इज ऑल अबाउट कट ऑफ, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो। कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, चिंता नहीं करनी, थर्ड काउंसलिंग है। थैंक यू। अगर आपने नहीं दिया तो मैनेजमेंट कोटा, अगर टेस्ट दिया है तो थर्ड काउंसलिंग। थैंक यू।